हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यंग जस्टिस सीजन 3 के सारे एपिसोड्स पर मैं ऐसी और भी वीडियोस लाने वाला हूं। और तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, प्रिंस ब्रायन को बेहोश करके एक्सपेरिमेंट पॉड में डाल दिया जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं टाइग्रेस और ब्लैक लाइटिंग दोनों सुपर बॉय को बचाने हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, और दूसरी तरफ नाइटविंग भी हॉस्पिटल के अंदर आता है, जहां लैब के बाहर वो डॉक्टर की बातें सुनता है, जहां डॉक्टर कहती है कि उसने जानबूझकर प्रिंस के बॉडी में टार डाला क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास भी कोई पावर आ जाए और वो हो रहे मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सके। वर्टिगो ये नहीं चाहता था, जिसके कारण वो गुस्से में आकर डॉक्टर पर अपने पावर्स का यूज़ करता है। पर तब तक डीलैम वहाँ आ जाता है, और वहाँ में ये पता चलता है कि डीलैम ही उन्हें सपोर्ट कर रहा था और मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा था। टाइग्रेस और ब्लैक लाइटनिंग दोनों सीवेज के रास्ते से अंदर आते हैं, जहाँ प्लाज्मा उन पर अटैक कर देता है, पर वो लड़की उन्हें बचा लेती है, जिसके बाद लैब में सभी को पता चल जाता है कि उन पर अटैक हुआ है। वर्टिगो फादर बॉक्स की मदद से वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है। हमारे हीरोज वहाँ से सेफली बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद प्रिंस ब्रायन को होश आता है और वो गुस्से में डीलैम से बदला लेने पहले जाता है। पर तब तक वहाँ वर्टिगो आ जाता है और सुपर बॉय प्रिंस के पीछे जाता है। दूसरी तरफ पैलेस में डीलैम ने सबको ये कह दिया होता है कि प्रिंस ब्रायन ही मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहे थे। प्रिंस ब्रायन पैलेस पहुंचते ही डीलैम पर हमला कर देता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि डीलैम भी एक मेटा ह्यूमन है। ये देखकर प्रिंस के बड़े भाई यानी कि ग्रैगन डीलैम को दोषी कहता है, क्योंकि डीलैम अपने मेटा पावर्स का अच्छे से यूज कर पा रहा था, पर प्रिंस ब्रायन नहीं। ये सुनकर डीलैम ग्रैगन पर हमला करने आगे बढ़ता है, पर सुपरबॉय उसे रोक लेता है। इसके बाद ग्रैगन प्रिंस ब्रायन से कहता है कि वो मार्कोविया छोड़कर चला जाए। दूसरी तरफ फाइट के दौरान वर्टिगो वहां से भाग जाता है प्लाज्मा और डॉक्टर सैमन को छोड़कर। ब्लैक लाइटनिंग प्लाज्मा के नेक पर लगे एक डिवाइस पर हमला कर देता है, जिसके बाद प्लाज्मा को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। पर वहाँ का एक सिटीजन प्लाज्मा पर गोली चला देता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।